श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के श्लोक में स्थान कभी नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नाम के नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी ना हो जाए। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण तिल भूमि गौ अन्न जल जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। अवंध्यम दिवसम कुरिया दरिद्रोपी नृपोत्तमा समाचरण यथाशक्ति स्नान दानादिका क्रियाः। जो होम स्नान जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना देखनी नहीं पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ्य कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वह पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा महात्म्य मैंने वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय।